करते हैं। एक और बीजेपी ने बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा के लिए टीएमसी को घेरा। वहीं बंगाल के वर्तमान में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की तस्वीरें भी सामने आई। अटकलें ये लगाई गई कि दो गुटों की इस लड़ाई की वजह से वो नेता और कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसी बात पर गुस्सा जाहिर करने के लिए कुछ लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी के दूसरे गुट के लोगों से उनकी मारपीट हो गई। दोनों गुट जब आपस में भिड़े तो ये भूल गए कि वो एक ही पार्टी में हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा और लड़ते रहे, और यही नहीं, हाथापाई के बीच दो गाड़ियों में आग लगा दी गई और पार्टी दफ्तर की खिड़कियों के कांच तक तोड़ दिए गए। वर्धमान जिले के बीजेपी दफ्तर के बाहर यह हंगामा बहुत देर तक चलता रहा और इस तरह के हंगामे की तस्वीर आसनसोल से भी सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में बवाल देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी के एक गुट के नेता ने आरोप ये लगाया कि ये सारा हंगामा टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इशारे पर हुआ है, जबकि दूसरे गुट ने टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों पर अपना गुस्सा उतारा। पीकेट टीम एवं तृणमूलের লোকেরা অনেক পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করেছে। পিকেট টিম এবং তৃণমূলের লোকেরা অনেক পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করেছে। টিএমসি যারা দালাল তাদেরকে নিয়ে সব কমিটিগুলো করেছে এবং পুরনো কার্যকর্তাদের কোনো গুরুত্ব দেয় নাই। यानी अमित, देखिए यहाँ पर दो बातें साफ दिख रही हैं। एक तरफ तो ये जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके टीएमसी के रणनीतिकार की ये प्लानिंग है जिसके तहत लोग भेजे जा रहे हैं। वहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं वो तो ये कह रहे हैं, भाई आप जो टीएमसी से लोग आए आप उनको सारा मौका दे रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे, लड़ाई इस बात की थी। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, ये और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब शुरुआती दौर में जब टीएमसी से जो कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक्त भी जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन जो स्टेट बीजेपी है वो साफ साफ ये कहती रही है कि टीएमसी के कहने पर ये सब हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर चुनावी हिंसा के बारे में बात करें, जो बीजेपी की रैलियों में लगातार जो हिंसा हो रही है और बीजेपी जिस तरीके से टीएमसी पर आरोप लगाती रही है और जिस तरीके से वोटर लिस्ट का को लेकर अब राजनीति की जा रही है, तो इसी तरीके से 2011 में जब ममता सरकार सत्ता में आई थी तो ममता टीएमसी ने उस वक्त 2011 में उस समय के लेफ्ट सरकार पर आरोप लगाया था कि अचानक वोटर लिस्ट के संख्याओं में वृद्धि हो रही है, यानी जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो हालांकि उस पर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से जांच की थी और ठीक आज उसी तरीके से चुनाव आयोग जो है चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी वेस्ट बंगाल से मुलाकात करने वाली है। उसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तो फिलहाल चुनाव आयोग चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है तो एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो टीएमसी के जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है, अभी हाल ही में हमने देखा 9/24 परगना में खासतौर से टीटागढ़ खड़दा इलाके में किस तरीके से जो टीएमसी के ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है, जो लोकल लेवल पर कार्यकर्ता है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और इसको लेकर जो टीएमसी के जो बड़े नेता है वो काफी ज्यादा हैरान परेशान है। अमित जरा रहिए, देखिए बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले टीएमसी